असलम एवरी वन दिस इज़ कोमल चौधरी होप यू ऑल आर वेल आप सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे तो आज मैं आपसे स्टफ चीज़ एग की रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ ये मैंने मरीमिक रेस्टोरेंट में खाई थी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी तो मैंने ट्राई किया तो मुझे बिलीव नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब इसके रिजल्ट जो है ना वो हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड परसेंट आने वाले सो so, इसके लिए मुझे थ्री एग्स चाहिए जिसमें मैंने पहले से एक ग्रीन चिलीस जो हैं वो आ, काट के डाल दी थी उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास वन टेबल स्पून मायनी और तो मस्टर्ड है उसके साथ मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम है मेरे पास फिरोज़न होती हैं तो आपके पास अगर ताज़ी हैं तो आप वो यूज़ करें यहाँ पर मेरे पास चॉप्ड अनियन रखा हुआ है उसके साथ साथ चॉप टमेटो है यहाँ पर और क्रशड चिली सॉल्ट है ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ मिक्स कर दी थी चीज़ है और पिज्ज़ा सॉस और चिली गार्लिक सॉस है तो सबसे पहले हम जो हैं अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे यहाँ पर सोया सॉस चिली सॉस और बारबेक्यू सॉस के मैंने क्लब नहीं ऐड किया था तो सो मैंने सोचा कि ये भी ऐड कर दूँ और अच्छे से बीट करने के बाद मैंने अंडे को फ्राई पैन में डाला और ढांप के रख दिया लाइक वन मिनट के लिए कि ये अच्छी तरह एक साइड से पक जाए और एक मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से पलट दिया अब मैं इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस पिज़्ज़ा सॉस मस्टर्ड और मायो डालूंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी मेक श्योर sure करें कि आप इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दें कि आपका जो ये पेस्ट है वो हर तरफ से लग जाए जैसे ही काम धन हुआ मैंने इसे बिल्कुल फ्लेम से उतार दिया और इसको बिल्कुल हमें एक साइड पे रख देना है अब जिस पैन में हमने अंडा बनाया है उसमें हमें अनियन टमाटोस और कैप्सिकम ऐड करने हैं उसके साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और वो सॉसेस जो भी मैंने आपको दिखाई थी चिली सॉस सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस टोटली ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं है तो उसको स्कैप कर दें इट्स ओके सो so अब ये तीनों सॉसेस मैंने इसमें डाल कर इसको अच्छे से स्टफ फ्राई किया है तो आप जैसी भी सब्जियां पसंद करती हैं आप इसको बस उतना ही रखेंगे अब यहाँ जो साइड पे ऑमलेट पड़ा हुआ है हमें ये सारा इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से चीज़ डाल के हमें रोल करना है ये मैंने वेजिटेबल्स को स्प्रेड कर लिया और इसके अंदर अब मैं ये चीज़ जो है उसको अच्छे से डाल दूँगी और चीज़ बिल्कुल फैलाने के बाद मुझे अब इसको रोल करना है सो इसको रोल करने के बाद अब मुझे ये उसी फ्राई पैन में ढक के रखना है लाइक कुछ सेकंड्स के लिए कि जो चीज़ हमने इसमें डाला है वो मेल्ट हो जाए और इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल भी फ्लेम को ऊंचा नहीं करें नहीं तो ये बिल्कुल जल जाएगा तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के आधा मिनट तकरीबन एक साइड से और फिर हमें इसको पलट कर आधा मिनट दूसरे साइड से अच्छे से पकाना है अब ये आप देख सकते हैं एक साइड इसकी बहुत अच्छा कलर आ गया है और अब मैंने इसको पलट के दूसरी साइड से भी मैं इसको आधे मिनट के लिए बिल्कुल ढक दूंगी ताकि चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए तो बिल्कुल आधे सेकंड के बाद अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है और मैंने इसको डिश आउट किया है मैं इसको ब्रेड के साथ सर्व नहीं करूँगी फ़ोक के साथ करूँगी आपको जैसे भी खाना हो आप इसको ब्रेड और पराठा दोनों के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है आप देख सकते हैं इसका चीज़ किस तरह से यहाँ पर मेल्ट हो रहा है तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसा लगा आपको ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ और रेसिपीज शेयर करूँ तो इन मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़